भाई तुमसे आणि तुमचा पार्टी से आभार बसा। ये संख्या दादा है, यह आया था कुछ दिन पहले हमारे लोगों के बीच, लेकिन इसको उठा के ले गए थे वो लोग जिनको किसान को मुट्ठी में दबा के रखने का आदत है। पर अब दादा आजाद है, ये आपला बरोबर आए ध्यान ना तुमच्याशी बोलायचे दादा। नमस्कार नमस्कार मंडळी नमस्कार। आज मैं आप लोगों को माइक्रो क्रेडिट या छोटे कर्जे इस स्कीम के बारे में बताने वाला हूं। साथ वाले जिले में एक औरत रहती थी, सफिया खातून। बंबू की टेबल कुर्सी बनाने का धंधा था उसका। 22 साल की थी लेकिन 40 की उम्र लगती थी उसकी। पूरा हफ्ता काम में लगी रहती थी। वो जो भी सामान बनाती थी उसको महाजन को ही बेचना पड़ता था, क्योंकि माल खरीदने के लिए पैसा वही देता था, दिन का 10% और साल का 3000% ब्याज देती थी वो। दिन का 10% और साल का 3000% ब्याज। इतनी मेहनत करने वाली औरत ऐसी हालत में थी क्योंकि बैंक उसको कर्जा नहीं देता था। अब बैंक तो उधार उन्हीं को देता है जिनके पास जमानत देने के लिए कुछ हो। माइक्रो क्रेडिट स्कीम से उसे 1000 रुपए का छोटा सा कर्जा दिया गया और उसकी आमदनी 7 गुना बढ़ी। कुछ दिन पहले मैं उससे मिलने के लिए चला गया तो वह काम पर नहीं थी। वो अपनी 4 साल की बच्ची का हाथ पकड़े स्कूल के बाहर खड़ी थी। उस दिन पहली बार उसके घर से कोई स्कूल जा रहा था। जमींदारों और महाजनों का तो काम है किसान को अंधेरे में रखना। इस स्कीम में कर्जा आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए नहीं, आजाद कराने के लिए दिया जाता है। आणि काय आहे, घरातली बाई काम करायला लागली की घर बदलत, गाव बदलत, सुखी होतात लोक, हो की नाही? कोई भी किसान या उसकी औरत, कोई भी कारीगर या उसकी पत्नी इस स्कीम से कर्जा ले सकते हैं बिना किसी जमानत के, और अपने घर वालों को मरने से बचा सकते हैं। जिस किसी को भी कर्जा चाहिए वो अपना नाम मुखिया के पास या मेरे पास दे दें। हम ना पड़ा तो लगा के उम्र हो गई। क्या बात कर रहे हैं सर, आप तो सबसे आगे थे। या मैन, यू क्वाइट फिट ड्यूड। हाय ब्रो, क्या कर रहे हो उस आदमी के साथ? हे बटर, वी वर जस्ट ट्राइंग टू, वी टॉक लेटर। डॉक्टर जाधव, बाहर से एक करप्शन का ढोंग करके अगर तुम रॉबिनहुड बनना चाहते हो तो बनो, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को इस सब में इन्वॉल्व मत करो।
मैं कहां कर रहा हूं? ये लोग खुद हो रहा है? That's bullshit. तुम विशाखा को झूठ बोल के उसे वहां के घर ले गए, उसकी जान खतरे में डाली. क्यों? हफ्ते में 10-5 लोग मरते हैं यहां, शंख्या बचा सकता है. शंख्या की जान सबसे कीमती है मेरे लिए, उसके लिए मैं अपनी, विशाखा की, सबकी जान खतरे में डाल सकता हूं. देखो तुम एक डॉक्टर हो, यह सब तुम्हारा काम नहीं है. काम ही तो नहीं कर पा रहा हूं अपना. मैं भी एक आम डॉक्टर की तरह इलाज करना चाहता हूं, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं. डॉक्टरी से इलाज नहीं होगा. जितने लोगों को दवा दे के बचाता हूं ना, उससे ज्यादा मर जाता है दर्द से. शंख्या बचा सकता है इनको, इसलिए बचा रहा हूं उसको. हाँ, एक गलती की है मैंने, विशाखा को झूठ बोला. मैं माफी मांगता हूं. बाकी किसी और काम के लिए माफी नहीं. उसने कुछ गलत नहीं किया राहुल. वी नीड टू सेव शंख्या. क्या ठीक किया? ठीक क्या किया उसने यार? ना तो ये हमारी प्रॉब्लम है और ना हमारे पास इसका कोई सलूशन है. आई डोंट अग्री विद यू राहुल. अगर उस दिन हमने, रादर मैंने, दिगंबर को थोड़ी सी भी होप दी होती तो शायद वो अपनी जान नहीं देता. ये हमारी दुनिया नहीं है कट्स. वी बिलोंग एल्सवेयर. Guys, please. We need to get out of here before we get into deep shit. Are you with me? Are you with me? चलूंगी.